नंबर वन, जो औरतें अपनी कमर को सीधा करके बैठती हैं वो हमेशा कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की समस्या से बची रहती हैं। नंबर टू, जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनका दिमाग तेज होता है। नंबर थ्री, अगर पेशाब खुलकर ना आने की समस्या है तो भिंडी का सेवन करें। नंबर फोर, कम बोलने वाले इंसान का दिमाग तेज होता है। नंबर फाइव, नहाने से पहले एक केला खा लें, ऐसा करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नंबर सिक्स, यदि आपको हड्डियों में दर्द रहता है तो राजमा का हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर सेवन करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर सेवन, सुबह खाली पेट खुले में लंबी लंबी सांस लेने से दिल से जुड़ी बीमारियां ख़त्म होती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। दूध में केला मिलाकर खाने से कमज़ोरी दूर होती है। जिन बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या याददाश्त कमज़ोर है तो आप उनको अखरोट खिलाएं। रात को सोने से पहले मुंह में एक इलायची चूसने से मुंह से बदबू नहीं आती। सर के बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए सर में सरसों के तेल की मालिश करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो गुड़ को टॉफ़ी की तरह चूसने से आराम मिलता है। यदि कपड़ों पर जंग का निशान लग गया है तो नींबू को रगड़ने से दाग चला जाएगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है वो खजूर का सेवन करें। यदि चेहरे पर लाल दाने हो रहे हैं तो कच्चा दूध लगाएं, इससे बहुत जल्द आराम मिलता है। गन्ने का जूस पीने से आंखों में चमक आती है। यदि पेट में दर्द हो रहा है तो छोटी इलायची खा लेने से दर्द में आराम मिलता है। ज़्यादा गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी होती है। नाशपाती खाने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी और कमज़ोरी दूर हो जाएगी। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दे की बीमारी नहीं होती। अजवाइन को सूती कपड़े में बांधकर सोंगे, ऐसा करने से सिर दर्द में आराम मिलता है। शहद को सिरका में मिलाकर कुल्ली करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। यदि आप पानी बहुत कम पीते हैं तो इससे होंठ काले होते हैं और साथ ही शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है। यदि आपको थकावट जल्दी होती है तो सुबह नहाने के बाद पैर के अंगूठों पर सरसों के तेल से मालिश करें, इससे आपको थकावट नहीं होगी। नंबर 22, अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो मूली पर नींबू का रस लगाकर दांतों पर घिसने से दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। रोजाना आंवले का मुरब्बा खाने से आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। और कभी भी टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे सांस की बीमारी होने का खतरा रहता है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने से मुहासे और दांतों में फायदा मिलता है। अनानास का जूस पीने से दिल और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। नंबर 26, चाय के साथ हल्दी खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है, इसलिए चाय के साथ ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन ना करें जिसमें हल्दी की मात्रा ज़्यादा हो। मोटापा दूर करने के लिए शहद को गर्म पानी में मिलाकर पिए, इससे मोटापा जल्दी ख़त्म होता है। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं उनके बाल गिरने लगते हैं। रात को दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीने से इंसान पर बुढ़ापा नहीं आता। हल्दी का सेवन बूढ़े चेहरे को भी जवान कर देता है। पेशाब करने में जलन महसूस होती हो तो लस्सी में नमक डालकर पिए और खरबूज या तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दिल को मजबूत बनाने के लिए रोज़ एक सेब का सेवन ज़रूर करें। अदरक का टुकड़ा चबाने से गर्मी में पसीना कम आता है। अगर ज़्यादा टेंशन की वजह से आपका मन भारी हो रहा है तो चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ तुरंत खा लें, जल्दी आराम महसूस होगा। हफ्ते में 2 बार इलायची खाने से सांस की बीमारी नहीं होती। जो इंसान खाना बहुत जल्दी खाता है उसको दिल की बीमारी हो सकती है। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है वो कभी भी लस्सी का सेवन ना करें, क्योंकि लस्सी पीने से एलर्जी बढ़ सकती है। यदि आपको अक्सर मुंह में छाले होने की शिकायत रहती है तो रोज़ाना खाना खाने के बाद गुड़ को चूसना ना भूलें, ऐसा करने से छाले नहीं होंगे। रोज़ाना नींबू पानी का सेवन करने से मोटापा कम होता है। कद्दू के छिलकों को चेहरे पर मसलने से चेहरे की झाइयाँ ख़त्म होती है। रात को सोने से पहले चेहरा धो लेने से चेहरे पर चमक आती है। खाना खाने के बाद एक केला खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। यदि बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत चाहते हो तो जवानी में आलू बुखारे का सेवन किया करें। यदि दांतों के कीड़े से बचना चाहते हैं तो नीम की दातुन किया करें। सर दर्द होने पर आँखें बंद करके लेट जाए, इससे आराम मिलता है। चक्कर आने लगे तो काला नमक वाला पानी पी लिया करो, चक्कर आना रुक जाएंगे। जो ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है।
जो लोग सुबह खाली पेट खीरे का सेवन करते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। हरी मिर्च का सेवन करने से सांस की बीमारी होने का खतरा कम होता है। जिन लोगों को अंधेरे में डर लगता है उनके गुर्दे कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों को सहनशीलता भी कम होती है। दूध में शहद मिलाकर रोजाना पीने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। बकरी का दूध पीने से थकावट नहीं होती और शरीर को ताकत मिलती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ जरूर खाएं, इससे खाना भी हजम होता है और मुंह से बदबू भी नहीं आती। ज्यादा चावल खाने से बचना चाहिए, इससे खून बनने में समस्या होती है। किशमिश का सेवन करने से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। सुबह उठकर आंखों पर मसाज करने से तबीयत अच्छी होती है। बासी रोटी का सेवन करने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की बीमारी दूर होती है और दांत भी मजबूत हो जाते हैं। अगर आपको स्किन पर एलर्जी, दांत खाज की दिक्कत हो तो नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उसे गुनगुना करके उस पानी से नहाएं। आप सिंपल पानी से नहाने के बाद नीम की पत्तियों का पानी अपने शरीर पर डाल लें। इसके अलावा नहाने के कुछ देर बाद शरीर पर नारियल के तेल की मालिश करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर फिर भी स्किन की एलर्जी ना जाती हो तो खून का टेस्ट ज़रूर करवाएं। स्किन एलर्जी वाले लोग जितना हो सके गर्मी से बचें, क्योंकि स्किन की एलर्जी कुछ लोगों को गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है और ये ठंड में ख़त्म हो जाती है। अगर कान का दर्द ना जाता हो तो आम के हरे बोर को पीसकर रस निकाल लें। इस रस को थोड़े से सरसों के तेल के साथ मिलाकर कान में बूंद बूंद टपकाएं, कान का दर्द खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।